हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से जो है ये वैकेंसी लेके आ गया हूँ, जो कि आपका पोजीशन होने वाला है आपका फ्लाइट ऑपरेशन, आपका फ्लाइट सेफ्टी और आपका ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर में जो है ये वैकेंसी आपकी आई है। ये आपका एक वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, जो कि आपका 29 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। तो इसके बारे में आज टोटल मैं आपको ब्रीफ से बताने वाला हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पे ऑन कर ले, ताकि ऐसे जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जॉब रिलेटेड मिलती रही जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो वैकेंसी है आपके ये इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आई है आपका, जो कि आपका फ्लाइट ऑपरेशन, फ्लाइट सेफ्टी एंड फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में जो है ये आपकी पोजिशन रहने वाली है। जो लोकेशन होगा ये आपका गुड़गांव, और आपका जो है 10 लोकेशन में जो है ये आपको वर्क करना होगा। अगर मैं एलिजिबिलिटी का आपको बता दूं, तो एलिजिबिलिटी जो है ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए ही, हम फ्रेशर्स इसमें नहीं जा सकते हैं। तो एक्सपीरियंस मिनिमम आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो आपको एविएशन सेक्टर में जो है वो आपको होना चाहिए। और अगर आपके पास फ्लाइट सेफ्टी या ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर या आपके पास फ्लाइट ऑपरेशंस में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको और ज़्यादा जो है वो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं क्वालिफिकेशंस बता दूं, तो क्वालिफिकेशंस जो है वो आपका मिनिमम जो है वो आपका ग्रेजुएट जो है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए और ग्रेजुएशन आपका पूरा ही कंप्लीट होना चाहिए। कोई भी परस्यूइंग वाली चीज़ जो है वो आपकी नहीं चलेगी। तो इसका भी आपको जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर स्किल्स बता दूं, तो आपके पास कस्टमर ओरिएंटेड यानी कस्टमर को संभालने का स्किल होना चाहिए, और आपके पास एमएस ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपके पास एविएशन का जो मैंने पहले बताया कि आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो एविएशन का एक्सपीरियंस जो है वो आपको मैंडेटरी है। फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एज वेल एज स्पोकन, दोनों आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आपका होना चाहिए। और लॉजिकल स्किल्स की मतलब आपके पास कोई अगर सिचुएशन आती है तो उससे आप अपने लॉजिक से कैसे उसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी चीज़ जो है वो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो इस इन सब बातों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अगर डॉक्यूमेंट्स का बता दूं, तो इसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको आपका अपडेटेड रिज्यूम एंड पासपोर्ट जो है ये टोटल चीज़ जो है वो आपके पास होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो आपका ग्रेजुएशन का रहेगा वो भी आपके पास में जो है वो कंप्लीट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास रहनी चाहिए। अगर इसमें आपको मैं डेट और टाइम का बता दूं, तो डेट आपका ये होने वाला है, ये 29 फरवरी को जो है ये आपकी वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाली है। और इसमें रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है, सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसके 1 आवर पहले ही पहुंच जाएं, ताकि आपका जो इंटरव्यू का जितना भी प्रोसेस है वो आपका आराम से हो जाए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वो डिटेल्स, वेन्यू का डिटेल्स जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और इसके लिए जाने के पहले जो है वो आपको एक अप्लाई भी करना है इसके लिए, तो मैं उसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप उसमें अप्लाई करके उसके बाद जो आपके पास रेफरेंस लिंक आती है, तो उस रेफरेंस लिंक का भी आप प्रिंट निकाल के जो है वो आप अपने साथ में जो आप डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे 29 फरवरी को, तो आप उसके लिए जो है वो आप लेके अपने साथ में जो है वो आप कैरी करें। तो आई होप कि इसमें आपको सारी वीडियो में जो है कुछ भी इसमें आपको डाउट नहीं आया हो, और अगर कुछ भी डाउट आती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको जो अपडेटेड मिलते रहे जैसे वीडियो अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।